रीवा जिले के डबौरा में महिला के साथ हुई मारपीट और अभद्रता, महिला थाने में मामला हुआ दर्ज। मारपीट का वीडियो आया सामने। आपको बता दें कि रीवा जिले के डबौरा थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी में एक महिला से मारपीट और अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके ससुर गुलाब गौतम और राजू दीक्षित नामक व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की है। महिला जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थाने में उसकी नहीं सुनी गई। रात 10 बजे तक महिला थाने में बैठी रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने डबौरा थाने की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर और राजू दीक्षित नामक व्यक्ति ने महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की है। आज महिला थाने पहुंची, महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता महिला विधवा है, उसके पति की मृत्यु कई वर्षों पहले हो गई थी। अपने 2 बच्चों के साथ डबौरा में रहती है। कई सालों से उसके ससुर और उसको परेशान कर रहा है, कई बार अभद्रता कर चुका है उसके साथ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। घटना में उसके ससुर गुलाब गौतम के साथ राजू दीक्षित ने भी महिला के साथ अभद्रता की और महिला के लड़की के साथ मारपीट की। क्या घटना हो गई? कल शाम को मेरे ससुर गुलाब गौतम, उनके साथी रविंद्र दीक्षित मेरे घर में अचानक रात में घुसे, शाम को 6 बजे घुसे और जा करके सीधे लपट पड़े मुझे। और मैं कुछ सोच पाती, इससे पहले वो मुझे नीचे गिरा के और मेरे साथ बस चलन तरीके से इधर उधर हाथ लगाने लगे, मेरी साड़ी फाड़ने लगे। मैं कुछ समझ पाती, वो पूरी तरह से मेरा, तो मैं चिल्लाई बहुत तेज। सोनम मेरी बच्ची दौड़ कर आई और वो देखी तो वो बचाने लगी, लेकिन वो कैसे बचाती क्योंकि वो मुझे अंदर पड़ता हुआ था, और वीडियो बनाने लगी और उसको 2-3 चप्पल मार के वहीं पर गिरा दिया। उसके साथ भी आप थाने गई थी? जी, मैं जब कई लोगों ने वहीं पर जो थे वो आके मुझे छुड़ाए रहे, तो मैं भाग के थाने गई। और थाने गई तो मुझे बैठाए रहे 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे से लेकर के 10:30 तक, 10:40 तक मुझे बैठाए थे। और उसके बाद बोले कि, मैं बोली ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और आप मेरा FIR लिखे, तो कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। मैं जो लिखा रही थी वो नहीं लिख रहे थे, दूसरा लिख रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लिखना है तो ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ से और भागो यहाँ से। वो